नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपार सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, उस विषय का आधा भाग जो है हम ऑलरेडी इससे पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बात की थी गर्भावस्था में होने वाली कुछ सामान्य जो समस्याएं या जो कठिनाइयां होती हैं उनके बारे में, और उनके सही उपचार के बारे में, या उनको किस तरह से उचित तरीके से मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में हमने बात की थी। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो है, जिसमें हम जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कई बार गर्भवती स्त्री को जो है कमर दर्द जो है, एक या बैक एक जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत ही सामान्य समस्या है। और इसमें जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि गर्भवती स्त्री का जो पेट बढ़ने लगता है, उससे उसका जो सामान्य आसन होता है, यानी कि जो उसका नॉर्मल पोस्चर होता है, बैठने का जो तरीका है या चलने का तरीका है, उस पे परिवर्तन आने लगता है। और कमर, इसके कारण से कमर की जो मांसपेशियां होती हैं वो विभिन्न स्थितियां ग्रहण कर लेती हैं, और ये जो कष्ट होता है ये अधिकतर रात में सोते समय ज्यादा होता है, और जिससे कि गर्भवती स्त्री की निद्रा में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। और इसके लिए जो सामान्य उपचार है वो ये है कि गर्भवती स्त्री को ऊंची एड़ी के चप्पल व जूते नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उससे भी उसकी जो कमर की जो मांसपेशियां हैं वो प्रभावित होती हैं, और साथ ही उसको सीधे बैठने का भी प्रयास करना चाहिए। और कमर की जो मांसपेशियां हैं उनकी जो है मालिश करने से, और जो आजकल मार्केट में उपलब्ध जो इलेक्ट्रिक पैड होते हैं उनकी सहायता से भी कमर की जो मालिश की जा सकती है। और जो है ये जिस तरह से एक ये चित्र मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि किस तरह के प्रेगनेंसी में जो पेन होता है, बैक पेन, उसको किससे उससे कैसे रिलीफ पाया जा सकता है। जैसे देखिए प्रीनेटल योगा है, लेकिन इस तरह का योगा जो है ये बिना किसी अच्छे योगा ट्रेनर या डॉक्टर की सलाह के, बिना इस तरह के आसन जो है वो नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जो प्रीनेटल जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो किसी ट्रेंड व्यक्ति या उसके किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के ही निर्देशन में किए जाने चाहिए। फिर ये देखिए मेडिटेशन जो है ये हेल्प करता है। फिर जो प्रीनेटल मसाज होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पैड का मसाज है या हाथ से मालिश है, ये प्रभावित करती है। स्विमिंग जो है वो आपके पोस्चर को ठीक करती है। एक मैटरनिटी बेल्ट खास तरह की आती है जो कि जो है बढ़ते हुए गर्भाशय को सही पोजिशन में रखती है, अगर अलग से उसको ऊपर से पहना जाए। फिर प्रॉपर शूज की बात अभी हमने की, ऊंची एड़ी के चप्पल जूते जो है वो प्रभावित करते हैं। फिर सही पोस्चर होना चाहिए, और उठने बैठने, चीजों को उठाने का जो तरीका है, लिफ्ट करने का, वो सही होना चाहिए। और एक साइड पर हमेशा उसको, गर्भवती स्त्री को सोने का जो तरीका है उसमें उसको हमेशा एक साइड से जो है एक करवट में उसको सोना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट समस्या की, जिसको कि हम पेशीय ऐंठन कहते हैं, जिसको कि मस्कुलर क्रैम्प्स भी कहा जाता है। ये जो कष्ट है गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने में अधिक बढ़ जाता है। इसमें स्त्री के पैरों में घुटनों के नीचे की जो पिंडलियां होती हैं उनमें पीड़ादायक ऐंठन होती है, और ये अधिकांशतः रात को सोने के पश्चात होता है। इसका जो मुख्य कारण जो होता है वो रक्त में परिसंचरण की कमी, यानी प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। और एक और कारण होता है जिसमें कि रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस के संतुलन में भी गड़बड़ी उत्पन्न होती है। और इसका उपचार यह है कि पैरों एवं पिंडलियों की मालिश करवानी चाहिए, आहार में कैल्शियम युक्त भोजन होना चाहिए, जैसे दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अंडा इत्यादि पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, और एक्सरसाइज के तौर पर पैरों के जो पंजे होते हैं उनको आगे की ओर झुकाना चाहिए, जिससे कि रक्त परिसंचरण बढ़ता है और ऐंठन में आराम मिलता है। ये देखिए, ये इसमें एक चित्र जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो है लेग क्रैम्प्स को में आइस पैक यानी बर्फ का सेक जो है वो हेल्प करता है। पोटेशियम लेना हेल्प करता है, अगर आप हल्का सा गर्म सेक करें वो भी प्रभावित करता है। फिर जो है मसाज आपको हेल्प कर सकती है।
है ना, और वॉक करना जो है, शरीर को स्ट्रेच करना, स्ट्रेचिंग करना, ये सब चीजें भी जो है ये इसमें हेल्पफुल होती हैं। और इसी से संबंधित एक और समस्या होती है जिसको कि हम इंग्लिश में वेरिकोज वेन्स कहते हैं, हिंदी में ये शिराओं का फूल जाना कहलाता है। ये कष्ट जो है ये अधिकांशतः गर्भावस्था के अंतिम 3-4 माह में अधिक होता है। इसमें गर्भवती स्त्री के पैरों की शिराएं जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, और शिराएं जो हैं वो देखने में नीली बैंगनी रंग की और गांठ वाली भी हो जाती हैं, और अधिक अगर ये फूल जाएं तो इनके फटने की भी संभावना रहती है। इसका भी जो मुख्य कारण ये होता है कि कष्ट, इस कष्ट का मुख्य कारण ये है कि बढ़ते हुए जो गर्भाशय का भार है वो पेट के निचले भाग पर पड़ता है, जिससे कि रक्त संचालन प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है, यानी कि रक्त संचालन जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है, स्लो हो जाता है, और इससे शिराओं में सूजन आती है, और कई बार वजन में अत्यधिक वृद्धि जो है वो भी इस दशा का एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसके लिए जो है उपचार है ये कि बिस्तर से उठते ही पैरों में लचीले मोजे और टांगों पर लचीली पट्टी जो है वो बांध देनी चाहिए। इसके लिए खास तरह की पट्टी आती है और इलास्टिक वाले जो मोजे होते हैं वो पहनने चाहिए, जिससे कि शिराओं को सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसमें खास ध्यान रख देने वाली बात ये होती है कि रात को सोते समय इन्हें जरूर से खोलना चाहिए, जिससे कि रक्त संचालन जो है वो सही तरीके से हो सके। और पैरों को जो है ऊंचा उठाकर रखना चाहिए, विशेषकर आराम करते समय, और तकिए के नीचे जो है दो दो एक या दो तक जो है पैरों के नीचे तकिए रखने से रक्त संचार जो है वो सुचारू रूप से होने लगता है। और जो हमें अभी पीछे बात की थी मैटरनिटी बेल्ट की, जिसको पेडू की पट्टी कहते हैं, ये इसका भी यदि प्रयोग किया जाए तो पैरों पर बोझ जो है वो कम पड़ता है। ये देखिए, ये वेरिकोज वेन्स की जो है ये इसमें अलग जो है स्टेजेस बताई गई हैं। ये देखिए नॉर्मल वेन्स जो है ये बिल्कुल सामान्य है, फिर धीरे धीरे आप देखिए ये जो है ये इस तरह की स्पाइडर वेन्स हो जाती हैं, धीरे धीरे इसमें नोड्स आने लगते हैं, ये वेरिकोज वेन्स कहलाते हैं। फिर वेरिकोज वेन्स के साथ साथ में टांगों में सूजन भी आने लगती है, ये आप देख रहे हैं, जिसको हम एडिमा ऑफ द लोअर लेग कहते हैं। और फिर जो है ये एक्जिमा के रूप में भी जो है वो परिवर्तित हो जाती है, और इसको जो है ट्रॉफिक अल्सर भी कहा जाता है। तो ये वेरिकोज वेन्स या शिराओं के फूल जाने की विभिन्न स्टेजेस हैं, विभिन्न चरण हैं जो मैंने आपको दिखाए। और इसके लिए जो है मसाज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत अधिक समय तक जो है खड़े नहीं रहना चाहिए गर्भवती स्त्री को, लंबे समय तक खड़े रहना या लंबे समय तक बैठे रहना जो है वो सही नहीं है उसके लिए। और उसको जो है कुछ कुछ समय बाद उठकर थोड़ा सा अपने हाथ पैर हिलाकर और थोड़े से वॉक जो है वो अगर पॉसिबल हो तो करनी चाहिए, और जो है ब्लड सर्कुलेशन सही रहे इसके लिए जो है उसको अपनी नीज को बेंड करके रखना चाहिए, और जो है बहुत ज्यादा भार स्पेशली 10 किलो से ज्यादा वजन उसको नहीं उठाना चाहिए, और एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए फिट रहने के लिए। एक्सेस वेट जो है वो नहीं पड़ना चाहिए लिम्ब्स के ऊपर, वो प्रभावित करता है। और जो है और अपने उसको काफ मसल्स जो है, काफ के जो मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स हैं जिनको हम पिंडलियों की मांसपेशियां कहते हैं, ये चेक करना चाहिए, देखना चाहिए इसमें किसी तरह का कोई गांठें या लम्ब्स तो नहीं है। और जो है अपने लेग्स को क्लीन रखना चाहिए, इंजरी नहीं हो कोई ऐसा प्रयास होना चाहिए। और जो है स्किन जो है वो अगर ड्राई हो गई है तो उसपे डॉक्टर से के प्रिस्क्रिप्शन से ऑइंटमेंट यूज की जा सकती है। और रात को सोते समय कम से कम 15 सेंटीमीटर जो है वो आपके जो पाँव है वो ऊंचे रहने चाहिए, जिससे कि जो है प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। और एक और समस्या गर्भावस्था में आती है जो सामान्य कठिनाई होती है, जिसको अल्प श्वास या शॉर्ट ब्रेथ कहते हैं। ये कष्ट गर्भावस्था के अंतिम 2-3 महीनों में ही देखने को मिलता है। इसमें गर्भवती यदि आगे सीढ़ियां चढ़ रही है या तेज चलती है तो वो हांफने लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या अल्प श्वास का अनुभव करती है। उसे ऐसे लगता है कि वह सामान्य रूप से लंबी सांस नहीं ले पा रही है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि गर्भस्थ शिशु अपूर्ण रूप से विकसित होने लगता है, उसका संपूर्ण पेट ऊपर पर्याप्त रूप से ये फैलने लगता है, और इससे जो महाप्राचीरा पेशी या डायफ्राम होती है वो ऊपर की ओर खिसकने लगती है, जिससे कि फेफड़ों के लिए जगह कम हो जाती है और स्त्री को ऐसा लगता है कि उसे सांस अच्छे से
आ रहा है। इसका उपचार जो है वो ये है कि अत्यधिक थकान वाला परिश्रम युक्त कार्य नहीं करना चाहिए। सीढ़ियां जो है वो गर्भवती स्त्री को धीरे धीरे चढ़नी चाहिए, और गर्भावस्था के अंतिम मास में तेज चलना एवं दौड़ना जो है वो उसके लिए सर्वथा वर्जित होता है। और जो है ये देखिए इस चित्र में इस तरह से बताएं, ये बेबी जो है जैसे जैसे ऊपर जो है यहाँ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सभी जो बाकी की जो ऑर्गन्स है उनके लिए जगह कम होती है। इसीलिए इस चित्र का जो शीर्षक दिया गया है वो है बेबीज टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस। तो ये आप देखिए ये डायफ्राम है, ये ऊपर की ओर खिसकता है और इसकी वजह से जो है कैपेसिटी लंग्स की कम महसूस होती है उसे। लास्ट जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेजाइनल डिस्चार्ज, या जिसको हिंदी में योनि स्राव कहते हैं। गर्भावस्था में जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो कि एक स्पेशल श्लेष्मा का निर्माण करती हैं। ये श्लेष्मा जो है ये योनि मार्ग से हमेशा स्रावित होती रहती है, एक वाइट सा डिस्चार्ज हमेशा रहता है जो कि योनि को चिकना बनाए रखने में मुख्य जिसका मुख्य कार्य होता है। गर्भावस्था में ये जो श्लेष्मा का श्रावण होता है या इसका जो डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये योनि को चिकनापन और लचीलापन देते हैं जिससे कि प्रसव दो शिशु के प्रसव नॉर्मल प्रसव के लिए सामान्य प्रसव के लिए आवश्यक होता है। और श्लेष्मा से अधिक श्रावण से गर्भाशय ग्रीवा में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए यदि अधिक रक्तस्राव होने लगे या रक्तस्राव सॉरी रक्तस्राव नहीं, यदि श्राव श्लेष्मा का अधिक होने लगे या हरा पीला या जागधार होने लगे, स्मेल आने लगे, तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। ये देखिए इसमें बताया गया है कि वेन टू सी योर डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसी डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी में अगर डिस्चार्ज होता है तो कब डॉक्टर को, अगर बहुत हैवी डिस्चार्ज हो रहा है तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत थिक हो रहा है, स्मेल बहुत तेज आ रही है, और जो है जैसा कुछ ऐसा परिवर्तन जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा है, और या अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज हो रहा है, तो इन सब केसेस में एक गर्भवती स्त्री को अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सभी जो है हमने बात की जो समस्याओं की, और इन समस्याओं के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि गर्भवती स्त्री को हमेशा एक अवेयरनेस रहनी चाहिए, और कि जो है ये समस्याएं हो सकती हैं और उसके ये लक्षण होते हैं, उसको किस तरह से उसका जो है उपचार किया जा सकता है, किस तरह से उसको जो है छोटे जो जो आपको स्टेप्स बताए गए या जो परामर्श जो एंटीनेटल क्लिनिक्स में दी जाती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसको इन समस्याओं को के साथ का निराकरण समय से हो जाए ये आवश्यक है। लेकिन यदि ये समस्याएं परसिस्ट करती हैं या उग्र रूप धारण करती हैं या ज्यादा नेचर में एग्रेसिव हो जाती हैं, तो उसके लिए हमेशा डॉक्टर के पास जाकर और उससे परामर्श लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।